फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट आज की हमारी यह सेशन। और सेशन में आते हैं पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन में। पहला 5 क्वेश्चन है आपके पास जिसमें दिया गया वर्ड का सिनोनिम्स निकालना है, सिमिलर वर्ड मीनिंग निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा क्विकन। क्विकन का मतलब होता है जल्दी करना, तेज करना। इसी का सिनोनिम्स आपका एक्सेलरेट होता है। डिले मतलब देर, स्टॉप का मतलब रोकना और हिंडर का मतलब बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे पहले वर्ड मीनिंग है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का मतलब होता है क्षणिक, कम समय चलने वाला। तो इसके सिमिलर मीनिंग में आओगे तो टेम्पररी हो जाएगा। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। टाइमली मतलब सामयिक। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है क्षति पूर्ति करना। सेम मीनिंग आपका हो जाएगा मेकअप फॉर, इसका मतलब भी क्षति पूर्ति करना। कंपाइल का मतलब होता है ढेर लगाना या इकट्ठा करना। रिजल्ट इन परिणाम मिलना, परिणाम होना, जो कुछ भी है। ट्रांसपेरेंट का अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, पारदर्शी। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। अवेंज इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। पार्डन का मतलब क्षमा करना। करप्ट का मतलब भ्रष्ट। रिजॉइस आनंदित होना। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। एपिडेमिक का मतलब महामारी। तो इसको वाइड स्प्रेड कहते हैं, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है ये। ये एंडेमिक का मतलब भी महामारी होता है, पर ये छोटा क्षेत्र छोटा होता है, छोटा एरिया में सीमित होता है। लोकल का मतलब तो स्थानीय। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। बढ़ते हैं अब अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब शत्रुता, दुश्मनी। अभी हम एंटो पर आ रहे हैं, तो दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? तो दुश्मनी का उल्टा सिंपल है, दोस्ती हो जाएगा, फ्रेंडली। जॉयफुल का मतलब होता है खुशनुमा कह सकते हो। हेल्पफुल का मददगार। वायलेंट का उग्र। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा इफीमिनेट। इफीमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, मतलब वैसा पुरुष जिसके अंदर नारी का गुण हो। पुरुष जिसके अंदर नारी का गुण हो, तो उल्टा पुरुषों का गुण वाला मैनली हो जाएगा। फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग खास करके। सॉफ्ट का मुलायम। चलिए आते हैं एंड्रोगेनस। एंड्रोगेनस का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों का मिश्रण। और मैनली तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब और रिव्यूक भी होता है। इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना। परेज का मतलब प्रशंसा करना।
शाउट का मतलब चिल्लाना, एडमोनिश का मतलब भी डांटना ही होता है। तो जब डांटना हो रहा है तो विपरीत आपका प्रशंसा करना, प्रेज बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम। ये दो दिन पहले हुआ है आपका। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्य, इसको संतुलन करना या संतुलित करना कहते हैं। संतुलन। तो इसको इम्बैलेंस कहते हैं, असंतुलन। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये एक इक्विलिब्रियम खास करके संतुलन करना। चलिए, कंपोजर का मतलब होता है संयम या धैर्य। यही बात स्टेबिलिटी का मतलब भी होता है। फिर इसका बेसिक मीनिंग होता है स्थिरता। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कमी, विपरीत प्लेथोरा हो जाएगा अधिकतर। पैरागन का मतलब होता है आदर्श व्यक्ति। प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना। परसुएड का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा idiom phrase। यहाँ पर आपको idiom phrase को सुधारना है। आज थोड़ा कलरफुल नहीं हो पाया है। पहला idiom है हमारा gather roses only। ठीक है, gather roses only। तो gather roses का देखो, रोज हमेशा जो है वो खुशनुमा, अच्छा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आता है। और कहता है कोई व्यक्ति केवल रोज ही चुनना चाहता है का मतलब क्या है कि केवल जो है ना एकदम पॉजिटिव चीजें ही चुनना। मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिव चयन करना, हमेशा से फायदे वाली चीज को देखना। सी नंबर ऑप्शन इसका बेस्ट जाएगा, टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। तो हमेशा से जीवन के बहुत सभी तरह के एंजॉयमेंट्स को ढूंढना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्लोज फिस्टेड मैन। तो क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। ठीक है, कंजूस व्यक्ति, माइजर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फिदर वंस नेस्ट। देखो ऐसे तो पूरा मुहावरा है एड एनदर फिदर टू वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है नई उपलब्धि हासिल करना या कुछ क्या कहते हैं नया मुकाम हासिल करना। ठीक है, ऐड लग कर आता है, साथ में ऐड होता है, ऐड एनदर फिदर टू वंस नेस्ट या फिदर वंस नेस्ट भी लिखा जाता है। मतलब होता है नई उपलब्धि प्राप्त करना। इस हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। कहता है आवर स्कूल इज विद इन स्टोन्स थ्रो। विद इन स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर। विद इन स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है जितनी दूर आप स्टोन को फेंक सकते हो। तो एक व्यक्ति के स्टोन फेंकने की क्षमता बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। ऐसा नहीं कि 10-20 किलोमीटर फेंक देगा, तो नज़र जाने तक ही होता है। इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगली मीनिंग है आई वॉन्ट टू टेल यू इन ए नट शेल। ये मीनिंग आपका है idiom phrase। नट शेल मतलब संक्षेप में या चंद शब्दों में। बोलते हैं स्पीच वगैरह दे रहे हैं तो कहते हैं विद दिस फ्यू नट सेल आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई स्पीच। तो मतलब इन्हीं चंद शब्दों के साथ। तो नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में। संक्षेप में तो कहाँ पर जाएंगे देखो, तो मुझे तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि डी नंबर आंसर जो है वो इसका बेस्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो जरा, ओ डब्ल्यू एस का आगे है, कहता है एनिमल्स विच सकल देयर यंग। तो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अपने ही यंग को, अपने ही बच्चों को खा जाते। तो ऐसा आपका, हाँ जी सॉरी, सकल देयर यंग, हाँ मैमल्स हो जाए, स्तनपाई, हर्बीवर, ये घास वास खाने वाले होते हैं, घास क्या इसको कह लो शाकाहारी, ये मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेज स्लीप। कहता है वैसा ड्रग, वैसी दवा जो नींद को बढ़ावा देता हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जो आपके अंदर नशा टाइप का डेवलप कर दे, ऐसी दवा आपका सेडेटिव होती है, इसको नींद की दवा भी लिखते हैं। स्टिमुलेंट का मतलब होता है प्रेरक, या इसको उत्प्रेरक भी कहते हैं। रिवाइवर, पुनः जीवित करने वाला। एनर्जेटिक, ऊर्जावान। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, इसको हम कहते हैं एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो स्पीच का मतलब बिना तैयारी का भाषण। टेम्पररी तो अभी थोड़े देर पहले ही हुआ है, क्षणिक। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। उसके बाद वर्ड है आपका एग्जेम्पलेरी, है ना। एग्जेम्पलेरी भी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कड़ा या कठोर। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका एनिमल्स दैट इट फ्लैश, ये तो पूरा रिपीट हो गया है। अभी हमने हर्बीवोरस भी आपको समझाया, ओमनीवोरस भी समझाया, कार्निवोरस भी समझाया। इसमें नहीं समझाया तो केवल इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब कीट पतंग भक्षी, या कीट भक्षी भी लिखो ना, कीट को खाने वाला भी इसका सही आंसर। कहता है फिक्शियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाई एन ऑथर, मतलब कोई काल्पनिक नेम दे दिया जाए अगर ऑथर के जरिए, तो क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम स्यूडोनेम कहते हैं। स्यूडोनेम मतलब छद्म नेम, छद्म नेम मतलब अपने तरफ से हम कल्पना से कोई नाम दे दे, इसको हम कहते हैं छद्म नेम। पेट नेम, पेट नेम मतलब मुख्य नाम के रूप में। निक नेम भी वही है, पेट नेम निक नेम लगभग सेम है, घर में पुकारू वाला जो आते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है सोब्रीक्विट। तो सोब्रीक्विट जो आता है इसका मतलब होता है उपाधि, ठीक है। ये उपाधि वाला नाम है, नाम के साथ जो लग जाता है, डॉक्टर फलना ढिकना, ये वो, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। बड़े अब आगे, अब आते हैं प्लानिंग। बहुत ही सिंपल है, पी एल ए डबल एन आई एन जी, प्लानिंग का मतलब योजना। अगली वर्ड की तरफ आते हैं हम लोग। यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस का मतलब होता है सभी जगह पाया जाने वाला, इसको हम लोग कह सकते हैं सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष से मुक्ति, दोष से आजाद करना।
इसके बाद है आपका नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान दिया जाने योग्य, और नोटिसेबल आपका ये सही है, मतलब लिख लो ध्यान दिया जाने योग्य। उसके बाद बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई, बी ई एल आई ई वी, बिलीव का मतलब विश्वास। तो ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में अगली वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।